आपकी जनता की सबसे बड़ी खबर भिंड जिले के लहार से आ रही है, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों को लेकर युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह ने लहार के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर सांकेतिक धरना देकर केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति को किया उजागर। इस मौके पर मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री शिव नारायण दुबे बल्लू वकील भी जमकर धाड़े। सी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको लहार से दिखा रहे हैं, जहां पर इंडियन पेट्रोल पंप पर युवक कांग्रेस की अगुवाई में युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह ने सांकेतिक धरना देकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर किया। इस मौके पर जिला युवक कांग्रेस के महामंत्री माधव सिंह यादव भी जमकर धाड़े। इस मौके पर लहार इंडियन पेट्रोल पंप से चार पहिए ठेले पर बाइक को रख करके युवा कांग्रेस के अमृत प्रताप सिंह के साथ लहार युवा कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बाजार में रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर लहार की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लहार में रैली निकाली। इस मौके पर लहार SDM RA प्रजापति को युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अमृत प्रताप सिंह ने ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में तुरंत कमी नहीं की गई तो आगामी आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। धरना प्रदर्शन, ये सांकेतिक धरना, बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई, इन सब को लेके और साथ में बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन सब को लेके हमारा ये दाज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा विरोध दर्ज कराना लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी का हक है और इस हक को हम निभाते हुए अपना ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को और ज़ोर शोर से बढ़ाएंगे और ज़ोर शोर से उठाएंगे, जब तक कि ये कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें जो प्राइवेट कंपनियों को और लाभ पहुँचाने के लिए लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इनको जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हम ये प्रदर्शन, धरने, आंदोलन करते रहेंगे, जिससे आम जनता को राहत मिले, किसानों को राहत मिले, मजदूरों को, गरीबों को राहत मिले। आप देख रहे हैं 2014 के बाद कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। जो सरकार, जो बाबा, जो ढोंगी बात करते थे कि 30 रुपये में हम पेट्रोल देंगे, कोई कहता था हम 20 रुपये में डीजल देंगे, आज वो सब चुप हैं। जो शिवराज सिंह जी जो अपनी साइकिल लेके अपने मंत्रिमंडल के साथ पैदल निकल पड़ते थे, साइकिल लेके विरोध प्रदर्शन करते थे, आज वो सब चुप हैं। जबकि तब उस समय कीमतें 70-72 रुपये पेट्रोल की होती थी, वो आज 107 रुपये अनूपपुर में डीजल पेट्रोल की कीमतें दर्ज की गई हैं। तरीके से राम मंदिर को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी जोर से मुद्दा उठाया जा रहा है। वो जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई थी, उसका तत्काल 18 करोड़ हो जाता है, क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि राम मंदिर पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। जब 1992 में रथ यात्रा निकाली थी तब भी हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा किया गया। उस पैसे का क्या हुआ, वो पैसा कितना था, उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, आज तक उसका कोई हिसाब नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया राम मंदिर के हक में, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी बाबा ही लेने की कोशिश करी कि ये हमारे द्वारा किया गया है। तो मैं सवाल उठाता हूँ, क्या कोर्ट आप चला रहे हैं? अगर चला रहे हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरी बात, अगर राम मंदिर के नाम पे जो लोगों की भावनाओं से खेल के फिर से करोड़ों अरबों रुपए चंदा किया गया और उस जो कमेटी बनी है उसके दस्तावेज सामने आ रहे हैं कि वही ज़मीन 2 करोड़ रुपये में पहले किसी व्यक्ति को बेची जाती है कुछ मिनटों, कुछ घंटों पहले, और फिर वही ज़मीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेची जाती है, तो लगभग 16 करोड़ रुपए का फ़र्क कुछ एक घंटों में उस ज़मीन में हो जाता है। और साथ में कुछ लोगों ने जो सबूत दिखाए हैं उसके आधार पे जो व्यक्ति, जो ट्रस्टी है,
वही पुराने जमीन सौदे में जो एक घंटे पहले हुआ उसमें गवाह है, और वही व्यक्ति नए वाले जो ट्रस्ट ने जमीन खरीदी उसमें भी गवाह है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं राम मंदिर की ट्रस्ट पे जो भाजपा ने अपनी टीम बना रखी है उस पर सवाल खड़े करती है कि ये लोग हमेशा से राम के आड़ में, मंदिर के आड़ में राजनीति करते आए हैं और आगे चुनावी फायदे के लिए हमेशा राजनीति करते रहे, और मंदिर के नाम पे इकट्ठा किया गया चंदा हमेशा से अपने चुनाव में उपयोग करते रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करे या फिर रिटायर्ड जज की कोई कमेटी बनाए, हाई कोर्ट रिटायर्ड जज की कोई कमेटी बना के इस पूरे मुद्दे को सुलझाए, अगर नरेंद्र मोदी जी और योगी के मन में थोड़ी सी भी सच्चाई है। लार विधायक को लेकर के, लार विधायक पहले अपने लार में अवैध रेत खनन को कार्रवाई करा, तब सिंधिया पर आरोप लगा। मैं देख रहा हूं कि डॉक साहब पिछले 10 से 15 साल से अवैध उत्खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए, चाहे वो पक्ष रहा हो चाहे वो विपक्ष रहा हो। जब वो विपक्ष में थे तब भी कई बार आंदोलन हुए, कई बार कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ, कई बार एसडीएम कार्यालय का घेराव हुआ, और जब सत्ता पक्ष में आए तब भी उनने मजबूरियां व्यक्त कर दी थी कि मैं अवैध उत्खनन नहीं रोक पा रहा हूँ। और फिर जब विपक्ष में पहुँचे, जब सत्ता के बाद वापस से जब विपक्ष में आने का मौका मिला तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकालने का काम किया था अलग अलग ज़िले में, और प्रशासन को चेताने का काम किया था। अब चूँकि डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं सिंधिया जी से सहयोग मांगा है, तो उनको अपने आकाओं को, रमेश दुबे जी को अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना था, तो वो नासमझी में कुछ बोल गए। अब उनसे जवाब देते नहीं बन रहा, अब इधर उधर भागते घूम रहे हैं। कल डॉक्टर साहब गए थे कि रमेश दुबे जी को साथ लें और उनके साथ जाके ज्ञापन दें कलेक्टर साहब को, पर रमेश दुबे जी उपलब्ध नहीं हुए, अपने मकान पर उपलब्ध नहीं थे, और अब पत्र लिख रहे हैं कि आप पत्र के माध्यम से सूचना दे दो। तो अपनी बातों से पीछे हटना, अपनी बातों को कह के मुकर जाना, ये पहले से भाजपा की नियति में था। तो अभी नए नए शामिल हुए हैं तो सीख रहे हैं भाजपा से, और मुझे लगता है कुछ दिनों में और परिपक्व होके वो बेहतरीन भाजपा का नेता बनने का प्रयास करेंगे। इसका सीएम बनना चाहिए, क्या कहना है? मैं राजा भैया पाल, आपने बढ़िया बात पूछी है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि, और राजीव गांधी जाके पहले कह चुके हैं, राजीव गांधी कह चुके हैं कि वहाँ तो भाजपा में बन ही नहीं सकते मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री बनते सिंधिया जी तो कभी ना कभी कांग्रेस में बन सकती थी। और जो नरोत्तम मिश्रा को दिया वो उनने कटाक्ष किया कि क्यों, कि नरोत्तम मिश्रा काय को बनाएंगे सिंधिया जी को, नरोत्तम मिश्रा खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो खुद टांग खींच रहे हैं उनकी शिवराज सिंह की कि कैसे वे, इसलिए अमित शाह की चमचेगिरी इसलिए कर रहे हैं कैसे भी हम मुख्यमंत्री बन जाए। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।